हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी प्यार की कहानियाँ बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप भी बोल उठेंगे कि प्यार हो तो ऐसा। पर आपको हमारी कहानी सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखना होगा। नंबर वन पे है शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी, जो कि सबसे अनोखी है। इनकी मोहब्बत की निशानी आज भी ताजमहल के रूप में मौजूद है। मुगल बादशाह शाहजहां की वैसे तो कई बेगमें थी, लेकिन मुमताज से उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि उनकी मौत के बाद उन्होंने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया। दूसरे नंबर पर है पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी, जो कि बेहद ही निराली है। पृथ्वीराज को अपने दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार हो गया। जब ये खबर जयचंद को लगी तो उन्होंने गुस्से में संयुक्ता का स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए दरबार के बाहर एक पुतला बनवाया। इस स्वयंवर में कई राजकुमार आए, लेकिन संयुक्ता ने सभी को छोड़कर उस पुतले को माला पहना दी। उसी पुतले के पीछे पृथ्वीराज चौहान छिपे बैठे थे। भरे दरबार से सबके सामने संयुक्ता को लेकर पृथ्वीराज चौहान भाग गए। अरे भाई, ये तो कोई सच्चा ही आशिक कर सकता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? नंबर तीन पर है बाजीराव मस्तानी। मराठा पेशवा बाजीराव ने दूसरी शादी की, जिनकी पत्नी का नाम था मस्तानी। दोनों की प्रेम कहानी सदियों के बाद भी लोग भूले नहीं हैं। मस्तानी बाजीराव से इस कदर मोहब्बत करती थी कि जब बाजीराव की मौत हुई तो उनकी चिता के साथ वो भी सती हो गई। वाह, क्या बात है! क्या आज के समय में भी कोई ऐसा कर सकता है? अगर कर सकता है तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। नंबर चार पर है चंद्रगुप्त हेलेना। मगध के राजा चंद्रगुप्त ग्रीस की हेलेना को देखकर इतने दीवाने हो गए कि उन्हें पाने के लिए उनके पिता सेल्यूकस से युद्ध करने को तैयार हो गए। युद्ध में सेल्यूकस को हराने के बाद उन्होंने हेलेना से शादी का प्रस्ताव रखा। और नंबर पाँच पर है हीर रांझा की प्रेम कहानी। जी हाँ, इस प्रेम कथा की नायिका हीर एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी और हीर से बेहद प्रेम करती थी। हीर के घर वालों को ये रास नहीं आया और उन्होंने इसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। रांझा हीर के प्यार में फकीर बनकर उसके गांव पहुंच गया। इस प्रेम कहानी का अंत भी आखिरकार मौत से हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ, आज भी इस तरह की मोहब्बत बरकरार है, तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।